हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 कल हमने आपको करवा ली थी, आज हमें एक्सरसाइज 2.2 करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, उचित प्रबंधों द्वारा निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। 753 प्लस 807 प्लस 947, उचित प्रबंधों द्वारा हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को हमें प्लस करेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हमने 753 प्लस 807 प्लस 947। अब इन दोनों को हमने प्लस किया, 73 क्या हुआ 10, 10 का 0, 516, 87 क्या हुआ 50। अब इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, हमें 947, 7 का 7, 64, 10, 10 का 0, कैरी 1, 516, 6915, 15 का 5, कैरी 1, 1012, तो हमारा आ रहा है ये 2507। ऊपर तरफ करते हैं, इसके आगे का जो क्वेश्चन है ना, अभी पूरा नहीं हुआ, उसको हम ऊपर करते हैं ना। तो हमने इन दोनों डिजिट को पहले प्लस किया, फिर बाद में जो भी हमारा आया उसमें हमने इसको ऐड किया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट केसेस में कि इसको बाहर निकालकर अब इन दोनों को प्लस करेंगे। यहां आप लिखेंगे और 753 ये प्लस 807 प्लस 947, 753 वैसे का वैसे ही इन दोनों को प्लस कर देंगे, 77 क्या हुआ 14 का 4, कैरी 1, 415, 8917 या। अब इसमें हमें क्या करना है, 753 को प्लस करना है, ऐड करना है। तो 4 3 क्या हुआ 7, 5 5 10 का 0, कैरी 1, कैरी को 1 में ऐड किया तो 8 8 5, 2507। तो हमने दोनों केसेस में इसको क्या किया, प्लस किया। पहले हमने दोनों संख्याओं को प्लस किया, बाद में तीसरी संख्या को प्लस कर दिया तो ये आया, फिर हमने पहली संख्या को बाहर निकालकर दोनों संख्याओं को प्लस किया, उनका जितना भी आया प्लस करने पर उसको पहली संख्या में ऐड किया तो हमारा आया 2507। तो हमने ना दोनों केसेस से उसको प्लस कर लिया तो कितना आया 2507। तो हम लिख सकते हैं इक्वल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सभी को सीडब्ल्यू कॉपी में वर्क कंप्लीट करना है। 2.1 भी हो गई हमारी, आज हम 2.2 को समझा रहे हैं, इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे तो आप पूरा वर्क कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह से और एक एक एग्जांपल समझाते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित निम्न अंतरों को
याद कीजिए। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, हम आपको पीडीएफ में कर देंगे, ओनली आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हाल या सॉल्व आप कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में। सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, 80 को हमने बाहर निकाल दिया और 892 और इंटू 50, इन दोनों का क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। साइड में रफ वर्क में कर सकते हैं, डायरेक्ट में कर सकते हैं। डायरेक्ट में तो क्या ना गलत हो जाता है, अपन यहाँ पर साइड में रफ वर्क कर लें। फाइव का कर देते हैं, बाद में जीरो लगा देंगे। फाइव का टेन था जीरो, कैरी वन। फाइव नाइन का 45 और वन, 46 का सिक्स, कैरी फोर। फाइव एट का 40 और फोर, 44, एक जीरो लगता है। 80 इंटू 4460 आ गया हमारे करने पर, ठीक है। अब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3568 00 करके देख लो यहाँ पर। इस पूरे में इसका करना है एट का, एट का जीरो लिखिए, जीरो जीरो एट सिक्स 48 का एट, कैरी फोर, एट फोर का 32 और फोर 36, सिक्स कैरी थ्री, एट फोर का 32 और 35 या आया। अब इसी तरह से हमने पहले किया, क्या किया था कि 80 को बाहर निकालकर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब क्या कर सकते हैं हम दोनों का, अब इन दोनों को कर देंगे 50 का बाद में करेंगे। 80 इंटू 892 और इंटू 50, ठीक है। तो इसका हमने किया 356800। सेम आया रिजल्ट, चाहे हम इस नंबर को बाहर निकालें, अपने दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब तीनों का आपस में किसी भी एक संख्या को छोड़कर दो का मल्टीप्लाई करें, या इधर दो का मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकालकर किसी भी दोनों केसेस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा कैसा आया, दूसरे दोनों का सेम आया। क्वेश्चन नंबर फोर,
सेवेंटी प्लस 297 इंटू थ्री। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल करना है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 5049 प्लस इन दोनों को किया तो 891 और अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आया 5940। बस यहाँ पर हम आंसर डाल के लिखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के हमने आपको हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल समझा दिया और ये क्वेश्चन भी हम आपको जो समझा है ये भी पीडीएफ में सेंड कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पीडीएफ में आपको सेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।